हेलो गाइस, वेलकम टू चेरी जिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलॉन मस्क इंसानों को मंगल ग्रह पर क्यों ले जाना चाहते हैं और मानव सभ्यता को मल्टीप्लेनेटरी यानी कि एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति क्यों बनाना चाहते हैं। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहते हैं, यानी एक आत्मनिर्भर इंसानी बस्ती जो पृथ्वी से इंडिपेंडेंट हो और बिना किसी मदद के लंबे समय तक चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इलॉन मस्क का कहना है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम हमेशा पृथ्वी पर ही रहें और भविष्य में होने वाली किसी विनाशकारी घटना का इंतजार करें। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स के कारण दुनिया खत्म हो जाए, या जैसे कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर समाप्त हो गए थे, वैसे ही मानव प्रजाति भी खत्म हो जाए। इस तरह की किसी भी घटना से मानव प्रजाति हमेशा ही खतरे में रहेगी। दूसरा रास्ता यह है कि हम इस ग्रह से बाहर निकलकर दूसरे ग्रहों पर भी बस्ती बसाएं, जिससे कि अगर किसी समय पृथ्वी पर कोई विनाशकारी आपदा आती है तो जो मानव सभ्यता है उसका अंत पूरी तरीके से न हो। इस तरह से मनुष्य अपने विनाश को टाल सकेंगे। एक बार इलॉन मस्क से पूछा गया कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह हैं और उनके उपग्रह भी हैं और हमारा खुद का उपग्रह चांद भी है, तो हम मंगल ग्रह पर ही जीवन बसाने की क्यों सोच रहे हैं? तो इस पर इलॉन मस्क बताते हैं कि हमारे पास सौर मंडल में क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सूर्य के बहुत ही नजदीक है, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर एसिड की बारिश होती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ये भी सूरज से बहुत ही ज्यादा पास है, जिससे कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि यानी कि जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों गैसियस प्लेनेट हैं, इसलिए इन पर नहीं बसा जा सकता, लेकिन इनके उपग्रहों पर बसा जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं, वैसे ही बृहस्पति के 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं और शनि के 82 यानी कि 82 उपग्रह हैं। चांद पर बसना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यह साइज में बहुत छोटा है और इसमें वायुमंडल नहीं है और इस पर संसाधन भी बहुत ही कम है। इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है मंगल ग्रह, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस होगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि मंगल ग्रह में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण हम मंगल ग्रह पर ही जीवन बसाना चाहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर है, इसलिए यह पृथ्वी से ठंडा है और इसका औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। इलॉन मस्क कहते हैं कि ये मानव के रहने के लिए थोड़ा सा ठंडा है, पर इसे गर्म किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है, इस पर इलॉन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह को गर्म करने के लिए इसके ध्रुवों पर न्यूक्लियर वेपन चलाया जाएगा, जिससे कि ध्रुवों पर बर्फ में फंसी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो वातावरण में रिलीज हो जाएगी और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और जो मंगल ग्रह है वो गर्म हो जाएगा। इसके अलावा मंगल ग्रह सूर्य से पर्याप्त दूरी पर स्थित है, जिससे मंगल ग्रह को पर्याप्त सौर ऊर्जा मिल पाती है। इसके एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसके अलावा नाइट्रोजन, आर्गन और कुछ ट्रांस एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हम इसके एटमॉस्फेयर को कंप्रेस करके मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की 38% है, यानी कि हम मंगल ग्रह पर भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा पाएंगे। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो कि पृथ्वी के एक दिन यानी कि 23 घंटे 56 मिनट के लगभग नजदीक है। और इस छोटे से टाइम डिफरेंस की वजह से पृथ्वी पर जो एक साल 365 दिन का होता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिन के बराबर होगा। यानी कि अगर पृथ्वी पर 687 दिन बीत जाते हैं तो मंगल ग्रह पर एक साल कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।